रे। बचपन है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के हंसी तराने। मेरा नया ऑब्सेशन था राइटिंग पोएट्री। व्हाई हैव आई स्टॉप्ड केयरिंग फॉर यू? व्हाई हैव आई स्टार्टेड अवॉइडिंग यू? बट द अदर्स डिडंट सीम टू अप्रिशिएट। आई थिंक इट्स क्रैप। फिर पता चला कि हमें पढ़ाने के लिए एक लेडी टीचर आ रही है। शी इज अ पोएटेस। वाओ, फाइनली समवन टू एनकरेज माय टैलेंट। शी वाज इनक्रेडिबल। व्हाट क्लास आर यू इन, साइरस? 12th में। क्यों? फॉर अ मोमेंट आई थॉट आईड एंटर्ड क्लास 2, माय मिस्टेक। मैंने उनका नाम पता किया। हैव फन। अपेरेंटली किरण को भी वो बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा अपनी अगली बुक के बारे में सोचती होगी ना। ओह वेल, अगले दिन नवान्या मैम काफी अपसेट लग रही थी। गेट आउट। बट मैम, गेट आउट ऑफ माय क्लास नाउ। मैंने सोचा अपनी नई पोएम पढ़कर उन्हें चीयर अप कर दूं, बट आई वाज इन फॉर अ बिग शॉक। इफ आई वर यू, आई वुड थ्रो दिस पोएम इन द डस्टबिन। ये किरण बहुत ही इरिटेटिंग हो गई है। यू सेड दैट स्टूपिड लिटिल पोएम ऑफ योर्स एंड जस्ट अपसेट हर ऑल द मोर। ओके, सो आई रिटन अ बैड पोएम। एक और लिखूंगी व्हिच इज गोना ब्लो एवरीवनस माइंड एंड शी विल लव इट टू। जा रही हो? तुमने कुछ देखा? मेरा स्कार्फ ब्यूटीफुल ना? पता है किसने दिया? किसने? लावण्या मैडम ने। इट्स अ गिफ्ट। ओह रियली? होप नॉट इन योर ड्रीम्स। नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, मैं ऐसे ही जा रही थी कॉरिडोर में और मैं मिस लावण्या मैडम को मिली, तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया कि मैम व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ। और पता है उन्होंने क्या किया? बस निकाल के मुझे दे दिया, जस्ट लाइक अ गिफ्ट। ऑब्वियसली शी गिफ्टेड इट टू यू। ये स्कार्फ देखा है? डर्टी, अगली, डिस्गस्टिंग, और कोई मिला नहीं, इसे तुम पर डंप कर दिया। डोंट यू जस्ट गेट दैट? डोनी, यू जस्ट सेइंग दैट बिकॉज़ यू आर JEALOUS। मार्शल, आई गेट जेलस किरण, क्योंकि तुम्हें और बाकी सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं मिस लावण्या मैडम की फेवरेट स्टूडेंट हूं। हाउ डज दैट मैटर टू मी? इट डज। डज नॉट। डज टू। डज नॉट। डज टू। डज नॉट। डज टू। डज टू। शट अप। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स विद m rows and n columns. Each number in the matrix is known as... Noni? Yes, sir. आपको सर्दी हो गई है? अच्छा। No, sir. तो फिर ये स्कार्फ क्यों पहना है? So I thought it was looking good. Really? I'm sorry to disappoint you, my child, but you look rather silly in that cheap scarf and those ridiculous hair clips. मैं हमेशा समझता था कि you're very well turned out, with a neat appearance, smart clothes, पर लगता है कि तुम्हारे taste और choice बदल गए हैं. They seem to have deteriorated. और किरण, आपको क्या हो गया? ये lipstick, ये खुले बाल, ये बड़ा सा brooch. This is not a fashion class, my dear. ये maths की class है. And if you think कि तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, then let me enlighten you. I suggest you remove them instantly. Or would you like to take a walk to the principal's office and show yourselves to her? I don't know if the two of you are imitating anyone. किसी से इंस्पायर होना बुरा नहीं है, किसी की अच्छी क्वालिटीज को अपनाना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की नकल करने के चक्कर में बेवकूफ नजर आने लगे, then it just goes to show that you're a pair of dimwits. हम कल मिलेंगे एंड आई होप कि तुम दोनों स्कूल गर्ल्स की तरह नजर आओ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नोनी, व्हाट? नथिंग. नहीं, मैं सोच रहा था कि व्हाई डोंट यू से व्हाट यू वांट टू से? ओके, आई थिंक यादव सर वाज राइट. प्लीज हां, यादव सर ठीक कह रहे थे. आई मीन, जिसे आइडलाइज करो वो उसके लायक तो ना चाहिए. दैट्स इनफ. और इतना इनडायरेक्टली बात करने की कोई जरूरत नहीं. नोनी, आई जस्ट डोंट वांट टू सी यू गेटिंग हर्ट. ओके, लेट मी टेल यू, आई एडमायर मिस लावण्या बिकॉज़ शी इज
exactly the way I want to be when I grow up. Moni. Try not to get so jealous, Nasir. I don't like it. Miss Lavanya? Yes, Mr. Yadav. मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। शायद आपने नोटिस किया है कि 12th साइंस सेक्शन की किरण और नोनी आपसे कितनी इन्फ्लुएंस्ड हैं। Yes, I have noticed their little infatuation, should we say? I suppose their way of paying me a compliment. Quite ridiculous, really. शायद ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, मगर उन दोनों लड़कियों के लिए ये काफी डैमेजिंग साबित हो सकता है। What do you mean? I mean that दोनों आपकी नकल करने में जुटी हुई हैं। दोनों एक दूसरे से आपके फेवर्स के लिए कंपीट कर रही हैं। They used to be friends not too long ago, मगर अब उन दोनों के बीच एक अनहेल्दी राइवलरी शुरू हो गई है। Don't you think कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप उनकी ये हरकतें एनकरेज ना करें? Mr. Yadav, I don't need to be told how to deal with my students. And I would appreciate it if in future you don't interfere in my affairs. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Kiran. Ma'am, aapne mujhe bulaya tha wo paper sort out karne ke liye? Ah, yes. Wo right hand side mein top drawer? Haan. Usme. Okay, I'll get to it. Thank you. Kiran? Yes, sir. Aren't you supposed to be at your public speaking course right now? हाँ सर, मैंने करुणा मैम से परमिशन ले ली है. She said it's all right. I see. Hi guys. मैंने एक नई poem लिखी है. मैं सुनाऊँ? माते, not again, please. Hey boy, किसी बस cotton है क्या? किसलिए? कान में ठूसने के लिए प्याली. Hey Mona, मैं सुनाऊँ क्या? नहीं लोनी, इस बार मैं बहुत बिजी हूँ. मेहुल, जॉन, पता है ये पोएम मैंने अपनी फीलिंग्स पर लिखी है. नहीं, मैं अपने खुद की फीलिंग्स पर बहुत इन्वॉल्व हूँ. मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचने में कोई टाइम नहीं. मेहुल, तू खाने के लिए क्या लेके आया? लेट्स हैव अ पोएटिक लंच. आई एम गोना किल दिस लावण्या यार. जब से आई है ना, दोनों ठीक से बात ही नहीं करती. ऑल द टाइम पोएम्स पोएम्स पोएम्स. एग्जैक्टली. मिस लावण्या ने तो इन दोनों को बिल्कुल चेंज ही कर दिया है. आई डोंट नो हाउ शी कैन एनकरेज देम. यार, और कोई टीचर होती तो अब तक इन दोनों को सीधा कर देती. आई एम टेलिंग यू, दिस गर्ल्स आर गेटिंग सिलियर बाय द डे. कल उसकी फोटो लेंगे, उसकी आरती उतारने लगेंगे. सीरियसली, जय हो, जय हो. मैम, आई वाज होपिंग टू मीट यू. व्हाई? एक्चुअली मैंने एक नई पोएम लिखी है. सो कुड यू जस्ट हैव अ लुक एट इट? यू नो, आई वाज अप ऑल नाइट राइटिंग इट. रियली? आई नो इसमें फ्लॉज होंगे. It's not gonna be perfect, but you know, if you give me your suggestion, I mean, I want to improve my style, and I really admire your style, you know. Can I be very frank with you? Yeah, sure, ma'am. I don't think you have any real talent for writing poetry. I mean, in this poem of yours, you have a sense of meter and a sense of rhyme, but those are just technicalities. वो तो कोई भी सीख सकता है. Real poetry is about something else. I mean, what is there in this poem at the level of ideas that is of any interest to anybody except yourself? What is there at the level of emotion that is special? What are you creating in terms of pictures at the level of imagination? My imagination or yours? Nothing. Noni, tum apne aap ko poet samajhte ho, lekin tumne kabhi kisi great poet ko samajhne ki koshish ki hai? Have you ever tried to understand what goes into the lives? What goes into the making of the great poets? Their struggles, their tragedies. What is that desire, that desperate urge to create those magical words that will change the world, that will change the way people look at the world, that will change the way people are? Have you ever been interested in T.S. Eliot? Have you read Keats? Seriously? Shelley? Have you even heard of Dylan Thomas? I think you should understand, Noni, ki what you have is just a passing phase. You think you're a poet. You know, tomorrow you might have the desire to become an actress or a great rock star, but do you have the talent for it? That is something you have to understand. Do you have the talent for it or not? Take my advice.
Just give up this whole idea of being a poet. Concentrate on your study. बेटा सुबह से ऐसे ही लेटी हुई है, मेरे से भी बात नहीं कर रही, ना कुछ खाया ना पिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ सच्ची। मैं आ गई ना, कुछ करते हैं मिलकर। अच्छा मैं चाय बना दी, ठीक है। अच्छा बेटा चाय पिएगी कॉफी? हाँ नानी मैं चाय पीऊंगी। अच्छा बेटा इट्स रिडिकुलस यार to be upset like this because of some silly teacher. उसने मुझसे कहा कि मुझे poem लिखनी नहीं आती. Okay, I may not be a good poet, but she just killed me with her sarcasm. You're so mean. I understand completely, Noni, कि Lavanya Banerjee की reality जानने के बाद you're really upset. But she's not worth it, can't you see? I mean, class में हम में से कोई इसे seriously लेता ही नहीं है. Look at her pretenses, her posturing. Her vague, soulful looks, her dramatic gestures. I mean, she looks and sounds like a fraud. I just think just as suddenly I've lost everything. Pride in myself. Jis cheez mein mujhe sabse zyada maza aata tha. Poetry writing. I don't think I can do it anymore. I don't have the confidence left in me. I mean, I know ki Lavanya ma'am ka attitude pathetic hai. I'd be the first one to say it. But you know, she's a poetess herself. तो शायद उन्हें poetry के बारे में कुछ तो आता ही होगा ना. Maybe, just maybe, you should consider giving up poetry writing. I mean, you're so good at other things, yeah? Karate and pool. You are so good at it. You can go back to it. But Mona, how do we know कि लवानिया को सच में poetry writing के बारे में कुछ पता भी है? अगर मैंने अपनी poems फाड़ दी और वो सच में अच्छी हुई, तो I mean, and we are lost to the world. Nobody would be ever be able to read my poems. Noni, you're just too much. So Noni, what do you want to do? Noni, what are you going to do? I'm going to get her. I am going to get Miss Lavanya Bashful Beautiful Banerjee. I'm going to check her so badly. देखते हैं उसे talent की समझ है या नहीं. But who does she think she is? God? Bullshit. मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अकेले रहते कैसे हो. बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? चलो जल्दी से सूप पी लो और शादी कर लो. मेरा मतलब है कि अब तुम शादी कर ही लो. मैडम आपके घर से बहुत फोन आ रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी जाइए आप. बच्चे अपनी मासी के साथ हैं, मेरे घर में मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा. सारे बहाने बंद कर लो और चुपचाप सूप पी लो. रात का खाना खिला के जाऊंगी मैं तुम्हें. शाम की दवा खाई? तो कब की खाई? खाए मुझे देखने दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई. हाय सर. ये आ गई शैतानों की टोली. हाय. हेलो सर, हम सब तो विंबलडन में लगे हुए हैं, पढ़ाई तो ऑफ एंड ऑन चलती रहती है. तुम्हारे दिमाग में स्पोर्ट्स के अलावा कुछ घुसता भी है? कभी क्रिकेट तो कभी टेनिस. सर यही देखता है. By the way, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है सर. That's very good. सर आप वापस कब आ रहे हैं? मैं बस कुछ ही दिनों में. यहाँ पढ़े पढ़े मैं बोरी हो गया हूँ, दिन रात सूप पीता रहता हूँ मैं. सर जल्दी आइए सर. सर रियली कम बैक सून. अच्छा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा मार्केट हुआ हूँ, कुछ सब्जियां वब्जियां ले आती हूँ. मैं ले आता हूँ मैम. पालक और मेथी का फर्क मालूम है तुम्हें? दोनों हरे होते हैं ना? हरी तो घास भी होती है, पता चले घास ही उठा के ले आए. वेरी बढ़िया. अच्छा मैं बताना भूल गई, वो फ्रिज में जो है खाने के लिए. हाँ मैम पता है, चॉकलेट केक. चॉकलेट केक? वैसे मेरे बताने की जरूरत ही क्या थी. हाँ, क्यों बताऊं? मैं ले आता हूँ मैम. सर आप खाएंगे? नहीं आप खाएंगे. चॉकलेट केक. और तुम्हारी नई टीचर कैसी है? लावण्या बैनर्जी, राइट? शी इज वेरी टैलेंटेड. हाँ वो ऑक्सफोर्ड से है और उनकी किताब छप चुकी है पोएट्री की. तुम लोग तंग वंग तो नहीं करते उन्हें? नहीं सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के साथ हम शैतानी कैसे कर सकते हैं? हम तो बहुत शांत और ओबीडियंट रहते हैं, है ना राघव? ऑफ कोर्स. नहीं सर,
इंग्लिश क्लास में तो मिस बैनर्जी के अलावा और कोई बात ही नहीं करता है। और कभी कभी नोनी और किरण। क्या मतलब? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? सर वन मिनट, लेट मी हैंडल दिस। मेहुल निकल, निकल मेहुल। मेहुल सर, आजकल नोनी और किरण में बहुत कंपटीशन चल रहा है मिस बैनर्जी को इम्प्रेस करने के लिए। सर इट्स वेरी सीरियस, पता नहीं दोनों को क्या हो गया है। दे सीम टू बी कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद मिस बैनर्जी। एंड डू यू नो व्हाट सर, दे इवन स्टार्टेड ड्रेसिंग अप लाइक हर। दैट्स वेरी फनी। नो सर, इट्स नॉट। ओके, इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? पोएट्री। पढ़ ही नहीं रहे, लिख भी रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। हां सर, नेक्स्ट वीक के लिए हमें असाइनमेंट मिला है, राइट अ पोएम इन 8 लाइंस। असाइनमेंट? यार कैसा असाइनमेंट? अबे पोएट्री असाइनमेंट। हां कब, कैसे, क्यों, किसने दिया? अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। नेचुरली जब असाइनमेंट मिल रहा होगा तब आपके पेट में दर्द हो रहा होगा। राघव बच्चू जॉन, अब तो तुम फंस गए। असाइनमेंट इज असाइनमेंट, करना तो पड़ेगा। सर मेरे पेट में तो अब असली में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं उस दर्द का भी इलाज करता हूँ। इनको थोड़ा केक खिलाओ। पता नहीं चलना चाहिए। Tennyson? No, she'll come to know. Arnold. Sounds right. Arnold's poem in my name. Yes. Kiran. Noni, what's up? Kuch nahi. Class assignment ke liye poem likh rahi thi. And by the way, I have news that you might be interested. Really? Kya? Tumhari darling Lavanya ka real naam. What do you mean by unka real naam? Lata. Lata? Lata. Plain old Lata. Not the exotic Lavanya. What rubbish, Noni. Don't lie. I'm not. Unki khud ki book pe, unki introduction page pe unka naam check kar lo. She thought we would never realize, you know. Lata Banerjee? I don't get this. Par unhone to kaha tha unka naam Lavanya hai. Maybe she just want to be different and hi-fi. The exotic Lavanya. Listen, उन्हें नाम बदलने का कोई पर्सनल रीजन होगा। एंड इफ यू ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी अगेंस्ट हर, डू नॉट इवन ट्राई। हूज ट्राइंग? मैं तुम्हारी लता लावण्या बैनर्जी के बारे में सब जानती हूँ। सर क्लास में आना, मैं सिर्फ एग्जॉस्ट का टू कलर्स दिखा दूंगी। व्हाटएवर। फिल हॉट एयर इन द कोल्ड बलून। कम ऑन गाइस, असाइनमेंट टाइम। किरण असाइनमेंट दो। बेला राघव, तुम्हारी असाइनमेंट पूरी हो गई? हाँ हो तो गई, लेकिन आगे चल के क्या होगा गॉड अलोन नोज। नहीं कुछ ज्यादा नहीं होगा राघव, बस टीचर को तुम्हारी पोएम पढ़कर मामूली सा टॉर्चर हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाएगी ना, वो तेरी पोएम पढ़ के पूरी हो जाएगी। राइट ऑन बडी। हाय गाइस, हाउस इज गोइंग? फैंटाबुलस। किमोना यो, आई वर्क रियली हार्ड ऑन दिस वन। आई एम श्योर नोनी। ए खत्म हुआ कि नहीं? यार लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, इंक खत्म हो गई है। हाँ तो भर ले ना, टाइम पास क्यों कर रहा है? हाँ मोना प्लीज दो मिनट देना, लास्ट एक लाइन लिखनी है। अरे जल्दी करना मेहुल। तू ये प्रोजेक्ट कब से कर रहा है? अबे कल कल रात से कर रहा हूँ, आज सुबह भी मैं 2 घंटे बैठा था। राफे ये जरा मोना को दे देना, हम लोग जरा जल्दी में, हाँ बाद में मिलते हैं। ओके टेक केयर, बाय। ओके कल से सी टुमारो। ओके बाय बाय। या चल चल ओल्ड टाइम। बाय बाय। आई विल डाई। ओके राफे बाय बाय। चलो आई होप वी डोंट मिस अगेन। आई डोंट बिलीव दिस, आज फिर से बस मिस हो गई। एग्जैक्टली, अब 1 घंटा रखो पब्लिक बस के। यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन न्यूयॉर्क इज सो इनक्रेडिबली एफिशिएंट। ए ए ए मिस अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, तुम ये अपना बैक होम इन न्यूयॉर्क काइंड ऑफ एन एटीट्यूड अपने पास ही रखो। ओके आई एम सो सॉरी यार, हां खा, आई रियली डिडंट मीन इट। यक, ओ गॉड, तुम्हारी ड्रेस, स्कर्ट, व्हाट इज ऑल दिस? हैव अ इंक बॉटल, माय बुक, तुम्हारी बुक, माय प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। पर तुम तो इंक पेन भी यूज नहीं करती हो, हाउ डिड दिस हैपन? आई नो हु डन दिस। व्हाट डू यू मीन? किरण। किरण? Yeah, she hates me. तुम पागल हो गई हो, किरण ऐसा क्यों करेगी? Don't you get it? She's taking revenge on me. You're really dumb. It's bullshit. मैं किरण को fifth standard से जानता हूँ. She's aggressive, she's impulsive, but she's not mean. Well, I guess you don't know her. Because you're just a bad judge of people, Raghav. Let me tell you one thing. I'm a good enough judge of people to tell you कि तुम और किरण आजकल बहुत पागल हो रही हो. और जब तक तुम दोनों का ये पागलपन उतर नहीं जाता ना, I don't think I want to talk to either of you. Thank you.
मस्ती के